माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्लास विजडम ऑफ साइंस, द चैप्टर नंबर 11, द नेम ऑफ द चैप्टर इज अर्थ। वी आर रीडिंग टुडे अबाउट अर्थ। वी ऑल लिव ऑन द अर्थ। अर्थ गिव्स अस एवरीथिंग व्हिच वी हैव टू नीड। यस, लेट अस स्टार्ट अबाउट द अर्थ। केम टू नो व्हाट इज देयर। Relevance of chapter: The sun known as star and the earth a planet. सूर्य को एक तारे के रूप में जाना गया है और अर्थ को एक प्लैनेट यानी ग्रह के रूप में माना गया है। The day and night, और दिन और रात कैसे बनते हैं। यू नो कि आप देखते हैं, जब सुबह उठते हैं दिन होता है और दिन भर आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, रात को खाना खाते हैं और सो जाते हैं, तब क्या हो जाती है नाइट। ऐसे क्यों होता है, सारा दिन दिन क्यों नहीं रहता या सारी सारी रात रात क्यों नहीं रहती, है ना। चलिए आज हम पढ़ेंगे। द अर्थ लुक्स लाइक ए ब्यूटिफुल ग्रीन एंड ब्लू बॉल फ्रॉम द स्पेस। द ब्लू पार्ट रेफर्स टू द वाटर बॉडीज एंड द ग्रीन पार्ट रेफर्स टू द लैंड। पृथ्वी को यदि हम आकाश से देखें, ये एक हरे रंग की और नीले रंग की एक बॉल दिखाई देती है, ऐसा लगता है गेंद है हरे और नीले रंग की। द ब्लू पार्ट, जो नीला पार्ट है, वो पानी की बॉडीज जितनी है वो ब्लू पार्ट दिखाई देता है। एंड द ग्रीन पार्ट रेफर्स टू द लैंड, और जो हरा हिस्सा है वो ज़मीन है। वो हरा क्यों दिखाई देता है, क्योंकि उसके ऊपर पेड़ पौधे हैं, हरियाली है, और इसीलिए वह हरा दिखाई देता है। इट इज़ द ओनली प्लैनेट दैट कंटेन्स लाइफ। यह एक केवल मात्र एक ही प्लैनेट है जिस पर जीवन है। इट कंटेन्स वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स, लेक्स एंड सीजन्स, ओशंस। देयर आर मैनी माउंटेन्स दैट शूट्स अप वेरी हाई एंड देयर आर सेवरल डीप वैलीज एज वेल दैट आर ग्रीन एंड वेरी रिच विद ग्रोइंग प्लांट्स। इसमें बहुत सारा पानी होता है, बहुत सारी मात्रा का में पानी है। वो पानी कैसे है, किस किस फॉर्म में है, नदियों के रूप में है, लेक्स यानी झीलों के रूप में है, और बहुत सारे महासागरों के रूप में पृथ्वी पर पानी है। देयर आर, और यहाँ पर बहुत सारे माउंटेन्स भी हैं जो कि बहुत ऊंचाई तक ऊंचे हैं, और यहाँ पर बहुत गहरी गहरी डीप वैलीज भी हैं, घाटियाँ भी हैं, और यहाँ बहुत सारी हरियाली भी है। क्यों है हरियाली, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, उगे हुए हैं। द अर्थ कंसिस्ट ऑफ वास्ट डेजर्ट टू ऑन इट्स सरफेस। पृथ्वी पर बहुत बड़ा मरुस्थल भी है। द ब्लैंकेट ऑफ द एयर सराउंडिंग द अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर, और पृथ्वी के चारों तरफ एक हवा, एक एटमॉस्फियर का ब्लैंकेट बना हुआ है। ब्लैंकेट मीन्स यस, क्या होता है ब्लैंकेट मीन्स कंबल। जिस तरह से हम कंबल ओढ़ लेते हैं तो हम सर्दी से बच जाते हैं, उसी तरह से पृथ्वी के चारों तरफ भी एक कंबल रूपी एटमॉस्फेयर की लेयर बनी हुई है। बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ, किस तरह से पृथ्वी पर जीवन आरंभ हुआ, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिलियंस ऑफ द ईयर एगो देयर वॉज नो लाइफ एट ऑल ऑन द अर्थ। करोड़ों साल पहले इस पृथ्वी पर कोई जीवन नहीं था। इट वॉज़ एक्सट्रीमली हॉट हेयर, ये पृथ्वी बहुत गर्म थी, उबलता हुआ लावे की तरह थी। रेन एंड थंडर स्टॉर्म्स कंटिन्यूसली कूल्ड द अर्थ एंड सरफेस, लगातार बारिश होने से और बहुत सारे तूफान आने से लगातार पृथ्वी धीरे धीरे समय के साथ ठंडी होती चली गई। स्लोली एंड ग्रेजुअली द लिविंग फॉर्म स्टार्टेड अपेयरिंग, एयर वाटर लैंड एंड वार्मथ फ्रॉम द सन टुगेदर अरेंज फॉर ए सुटेबल होम फॉर ह्यूमंस। धीरे धीरे यहाँ इस पृथ्वी पर जीवन के लक्षण दिखाई देने लगे। जीवन के लक्षण का मतलब कि कहीं पर पौधा उग गया, छोटी सी घास दिख गई, इसका मतलब कि वहाँ पर कुछ पैदा होने लगा। और हवा, पानी, भूमि और सूर्य की गर्मी, इन सभी ने मिलकर यहाँ पर मनुष्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए और पशुओं के लिए जीवन बना दिया। जीवन के ये है भूमि योग्य हो गई। पृथ्वी पर पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही
सूर्य की रोशनी मिली, हवा आई, पानी था और ज़मीन भी थी, इन सभी से मिलकर यहाँ पर जीवन आरंभ हो गया। द अर्थ इज़ ऑल्सो एट द अप्रोप्रिएट डिस्टेंस फ्रॉम द सन, और अर्थ सूर्य अर्थ जो है सूर्य से सही दूरी पर है, ना तो बहुत अधिक दूरी पर है ना ही बहुत कम दूरी पर है। अगर बहुत कम दूरी पर होता तो पृथ्वी भी गर्म हो जाती और पेड़ पौधे नहीं उग सकते थे, और यदि वह पृथ्वी से बहुत दूर हो जाता तो पृथ्वी इतनी ठंडी रहती कि इस पर फिर भी कुछ नहीं उगता। एज ए रिजल्ट इट इज़ नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और यही इसका परिणाम हुआ कि पृथ्वी ना तो बहुत अधिक गर्म हुई और ना ही बहुत अधिक ठंडी हुई। शेप ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की जो शेप है, जो आकार है वो कैसा है। प्रीवियसली इट वॉज कंसिडर्ड दैट अर्थ वॉज फ्लैट, आरंभ में जब पृथ्वी के बारे में लोगों ने विचार करना आरंभ किया तो उन्होंने सोचा कि पृथ्वी जो है एक समतल आकार की है। पीपल कंसिडर दैट इफ दे वेंट टू फार दे वुड फॉल डाउन फ्रॉम इट्स एज, लोगों को ऐसे लगता था कि यदि हम पृथ्वी में बहुत दूरी तक चले गए तो हम उसके किनारे पर जाकर नीचे गिर जाएंगे। इट वॉज प्रूव्ड लेटर दैट द अर्थ इज राउंड इन शेप, लेकिन बाद में यह सिद्ध हो गया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है बल्कि आकार में गोल है। इट इज़ स्लाइटली फ्लैट एट द पोल्स, और यह अपने पोल्स पर ध्रुवों पर थोड़ी सी फ्लैट है। सेवरल सेलर्स अगेंस्ट ट्रेवल्ड अराउंड द अर्थ फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट ऑफ द प्लेस, सेलर्स क्या होते हैं जो समुद्र में समुद्री रास्ते से समुद्री जहाज़ों में या समुद्री परिवहनों में आते हैं। बहुत सारे सेलर्स जो थे वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमे और किसी एक पॉइंट तक घूमे। दे रिटर्न टू द सेम प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, अब इसमें खास बात क्या थी, जो पानी के जहाज में या पानी की नाव में चलना शुरू करते थे, जहाँ से वे घूमना शुरू करते थे तो घूमते 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 वो वापस उसी पॉइंट पर आ जाते थे, और इससे ये प्रूव हुआ कि अर्थ जो है वो राउंड है, चपटी नहीं है। दिस कैन टेक प्लेस ओनली इफ द रूट्स इज सर्कुलर, ऐसा तभी हो सकता था जब जो रूट है वो सर्कुलर हो। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून इन 1969 से दैट अर्थ लुक्स सर्कुलर फ्रॉम द मून। 1969 में अमेरिकन एस्ट्रोनॉट्स ने जब मून पर अपना पांव रखा तो उन्होंने वहां से पृथ्वी को देखा और उन्होंने बताया कि अर्थ जो है ऊपर से वो मून की तरह सर्कुलर दिखाई देती है, यानी गोल दिखाई देती है। ट्राइट, ये आपको एक एग्जांपल दिया गया है, हम इसको किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कोई चीज़ गोल है या चपटी है। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक ग्लोब है और एक बच्चा किश्ती हाथ में कागज की बनी हुई लिए हुए है। गेट ए ग्लोब एंड मेक ए पेपर बोट, एक ग्लोब ले लो, एक कागज की नाव ले लो। कीप द पेपर बोट ऑन द ग्लोब, और पेपर बोट को ग्लोब के ऊपर रखो। सी द ग्लोब एट द आई लेवल, और ग्लोब को आई के लेवल पर यानी आँख के स्तर पर देखो। नाउ स्लोली मूव द पेपर बोट अवे फ्रॉम यू, और फिर धीरे धीरे कागज की नाव को ग्लोब के साथ साथ घुमाओ। हाउ डज इट गो आउट ऑफ साइट, और आपको एक समय ऐसा आएगा जब नाव आपकी आंखों से ओझल हो जाएगी, और किस तरह से ओझल हो जाएगी। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, अब आपने क्या देखा। यू विल सी दैट द लोअर पार्ट ऑफ द बोट डिसअपीयर फर्स्ट, आपने देखा कि जो नाव का नीचे वाला हिस्सा है पहले वो दिखना बंद हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। देन इट्स मिडल पार्ट एंड देन फाइनली द टॉप ऑफ द बॉट, फिर इसका मध्य भाग दिखना बंद होता है और लास्ट में जो सबसे ऊपर का हिस्सा है नाव का वो दिखना बंद होता है। दिस प्रूव्स दैट द अर्थ इज राउंड, और इससे सिद्ध होता है कि अर्थ जो है वो राउंड है। राइट, चलिए दिस इज़ द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सेकेंड पार्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो वॉच करेंगे।